हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स सो यू में बी फाइन अभी हमने कल दो वीडियोस पढ़े हमने आज हम पढ़ेंगे फंक्शन के बारे में कल हमने वीडियोस में हमने पढ़ा क्वांटिटी के बारे में ऑर्बिटरी क्वांटिटी वेरिएबल क्वांटिटी कौनसन क्वांटिटी के बारे में हमने पढ़ा uh, ये एब्सोलूट क्वांटिटी के बारे में पढ़ा हमने वेरिएबल क्वांटिटी के बारे में हमने हमने पढ़ा इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं सो नाउ वी विल टेक आज की वीडियो में हम फंक्शन के बारे में आज हम पढ़ने के पहले इस वीडियो में हम फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे फंक्शन क्या होता है द रिलेशनशिप बिटवी डिपेंडेंट वेरिएबल क्वान्टिटी एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वान्टिट्टी इज़ कॉल्ड ए फंक्शन जैसे यहाँ पर बच्चों हमने पढ़ा डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है इनके दरम्यान जो रिलेशन होती है जो रिलेशनशिप इन डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी के दरमियान जो रिलेशन होती है उसको बोलते हैं फंक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एक फंक्शन लेते हैं वाई इजकल टू थ्री एक्स प्लस फोर और एफ एफ इजकल टू थ्री एक्स प्लस फोर तो यहाँ पर ये जो y है इसको बोलते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल क्वान्टिट्टी जो डी वी के हमने लिखा है डिपेंडेंट वेरिएबल क्वानिटी और एक्स जो है आई वी के उसको हम शॉर्टली लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वान्टिटी वो यहाँ पर इस फंक्शन में इफ़ यू टेक दिस फंक्शन जहाँ पर ये रिलेशन uh, uh, एक फंक्शन जो है इट इज़ ए रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी तो इसको बोलते हैं फंक्शन ये हम फंक्शन में रिप्रेजेंट करते हैं यहाँ पर वाई को बोलते हैं फंक्शन ऑफ द एक्स और इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज़ वाई इजल एक्स इजिकल टू थ्री एक्स प्लस फोर सो so, बचो ये जो y इजकअ थ्री एक्स प्लस फोर है इसमें y डिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी है और एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी और यहाँ पर हम बोल सकते हैं डियर फोर y जो है y इज़ फंक्शन ऑफ x y इज़ फंक्शन ऑफ x एंड कैन बी रिटर्न एज रिप्रेजेंटेड एज y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्ल टू थ्री एक्स प्लस फोर सो ये हमने ये होता है फंक्शन फंक्शन क्या होती है सो so, आपने बच्चों आपने समझ आप समझ गए होंगे अच्छी तरह समझोगे आप जब ये वीडियोस आप रिपीट करोगे एक दो बार तो यू आप, आप आपका कन्फ्यूजन नेचुरली दूर होगा और जब आप नोट्स भी कंसल्ट करोगे स्टडी मटेरियल भी कलेक्ट करोगे अपनी बुक्स भी कंसल्ट करोगे एंड यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे अब टाइप्स ऑफ फंक्शन है देर आर मैनी टाइप्स ऑफ फंक्शन फॉर एग्ज़ाम्पल पावर फंक्शन है पावर फंक्शन क्या होती है पावर फंक्शन होती है जिसमें पावर होता है फॉर एग्ज़ाम्पल वो फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन हैं फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन में हम पहले इसका पावर फंक्शन है उसका एग्जाम्पल देंगे वाई इज थ्री एक्स स्क्र या वाई इज एक्स फाइव प्लस थ्री एक्स क्यू प्लस थ्री ये भी हम रिप्रेजेंस कर सकते हैं ये भी फंक्शन रिप्रेस कर दिए सो पावर फंक्शन होती है जिसको पावर दिया है थ्री एक्स स्क्र यहाँ पावर टू है और वाई इज एक्स फाइव प्लस थ्री एक्स क्यू प्लस थ्री यहाँ पावर है फाइव वो ये है पावर फंक्शन इसको बोलते हैं पावर फंक्शन जिसमें पावर दिया होता है इसी तरह ट्रगोनोमेट्रिक फंक्शन है जैसे साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स जो भी है उनको बोलते हैं ट्रगोनोमेट्रिक फंक्शनज वो जो हम जो जिन फंक्शन को हम ट्रग्नोमेट्री में रिप्रेजेंट करते हैं साइन कास ट जिसमें जिसके साथ होता है फंक्शन के साथ उनको बोलते हैं ट्रिगनोमेट्रिक फंक्शन फॉर एग्जाम्पल वाई इजकल साइन एक्स और वाई इजकल टू साइन स्कैयर एक्स प्लस कॉट एक्स इनको बोलते हैं इनको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन सो देर टाइप्स ऑफ फंक्शन है चार देर आर फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन जो है पहला फंक्शन है पावर फंक्शन दूसरा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पावर फंक्शन वाइज वाइज एग्ज़ाम्पल हमने uh, हमने बहुत सारे एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं जिसमें हमने जैसे वाईज कुल थ्री एक्स स्क्र वाई एज टू फोर एक्स स्क् वाईज फाइव एक्स क्यूब ये जो हम लिख सकते हैं डिफरेंट एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं और वाईज कुल एक्स फाइव प्लस थ्री एक्स सेवन एक्स क्यूब प्लस थ्री ये भी पावर फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हम लिख सकते हैं एग्जाम्पल वाई इजकल साइन एक्स वाई इजकल टू साइन एक्स एक्स प्लस कॉट एक्स दीज आर रिप्रेजेंटेड इन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसके बाद अब अगर हम बात करेंगे लॉगरिथम फंक्शन की लॉगरिथम फंक्शन क्या होती है सो लॉगरिथम फंक्शन होती है जिनमें जिसके साथ हम लॉग लगाते हैं फॉर एक्जाम्पल वाई इजकल लॉग एक्स और वाई इजकल टू लॉग एक्स स्क् प्लस लॉग एक्स लॉग एक्स प्लस लॉग एक्स वो ये जो है ये दिस इज दिस इज दु लॉग रिथिंग फंक्शन वाई इजकल टू लॉग एक्स एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं या वाई इजकल लॉग एक्सकेर प्लस लॉग जिनके साथ हम लॉग लगाते हैं वो बनते हैं फिर लॉग लॉग रिदिंग फंक्शन को बोलते हैं उसके बाद फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन है एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है फॉर एग्जाम्पल जैसे वाई इजकल्ट ई रेज पावर एक्स और वाई इजकल्ट ई रेज पावर एन एक्स यही डी जरते इनको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शंस तो बच्चों आपको समझ आया होगा फंक्शन क्या होती है टाइप ऑफ फंक्शन क्या है फोर टाइप्स ऑफ फंक्शन है इनके बारे में हमने पढ़ा ना अब हम लिमिट ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे लिमिट लिमिट ऑफ ऑफ फंक्शन क्या होता है इन अंडरस्टैंड द लिमिट ऑफ ए फंक्शन तो हमें हमें वी हैट इज़ दैट वट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्स टेंड्स टू इट मीन एक्स ए जब हम लिखते हैं इसका मतलब है इसका मतलब है, जो एरो हम दिखाते हैं इसका मतलब एक्स अप्रोच टू एन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द लिमिट ऑफ ए फी हैव टू अंडरस्टैंड वाट इज द मीनिंग ऑफ एक्स एक्स टें और इसको हम लिख सकते हैं एरो में एक्स अप्रोच ए इसका मतलब है एक्स अप्रोच एट एन एग्जाम्पल जैसे एक फंक्शन लेते हैं वाई इजकल एफ एक्स इजल थ्री एक्स प्लस फोर यहाँ लिमिट इसका है X, as X एज एक्सटेंड्स टू वन वो इसका लिमिट है एज एक्सटेंस टू वन इसका मतलब इसको हम एक्सटेंड करेंगे इससे आपका क्लियर हो जाएगा हम यहाँ पर एक्स को वैल्यू पुट अप करेंगे या एक्स को दे दो वैल्यू दे दो हम जीरो पॉइंट वन दे दो जीरो पॉइंट वन से ही शुरू करेंगे तो ये बनेगा वाईजल एफ फंक्शन ऑफ एज जीरो पॉइंट वन इंटू थ्री इंटू जीरो पॉइंट वन प्लस फोर तो यहाँ पर थ्री इंटू जीरो पॉइंट वन आएगा एक्स का वैल्यू जीरो पॉइंट वन दे देंगे तो यह बनेगा जीरो पॉइंट थ्री प्लस फोर बनेगा जीरो फोर पॉइंट थ्री इसी तरह एक्स को दे देंगे जीरो पॉइंट टू वैल्यू तो ये फंक्शन बनेगा वाई एफ जीरो पॉइंट टू फंक्शन ऑफ जीरो पॉइंट टू 3 थ्री इंटू जीरो पॉइंट टू प्लस फोर ये बनेगा जीरो पॉइंट सिक्स प्लस फोर ये बनेगा फोर पॉइंट सिक्स इसी तरह वेन एक्स एक्स को दे दे, दे देंगे वैल्यू जीरो पॉइंट थ्री तो वाई क्या बनेगा एफ इंटू जीरो पॉइंट थ्री ये बनेगा थ्री इंटू जीरो पॉइंट थ्री प्लस फोर यहाँ पर वैल्यू दे दो एक्स का दे दिए जाएंगे ये बनेगा जीरो पॉइंट नाइन प्लस फोर बनेगा फोर पॉइंट नाइन ओके आगे जाओ हम एक्स को वैल्यू दे देंगे ज़ीरो पॉइंट फाइव तो ये फंक्शन बनेगा यहाँ पर इसको वैल्यू दे दो ये फंक्शन बनेगा वाई को फंक्शन ऑफ ज़ीरो पॉइंट फाइव बनेगा थ्री इंटू ज़ीरो पॉइंट फाइव प्लस फोर बनेगा थ्री फाइज 15 फिफ्टीन ये बनेगा वन पॉइंट फाइव प्लस फोर और ये बनेगा फाइव पॉइंट फाइव इसी तरह एक्स को दे दो वैल्यू ऑफ़ ज़ीरो पॉइंट नाइन दे दो वैल्यू ये वाई बनेगा एफ ज़ीरो पॉइंट नाइन ये बनेगा थ्री इंटू ज़ीरो पॉइंट नाइन प्लस फोर तो ये बनेगा टू पॉइंट फोर टू पॉइंट सेवन प्लस फोर तो ये बनेगा सिक्स पॉइंट सेवन जब एक्स को हम वन वैल्यू दे, दे देंगे अब यहाँ पर आप देखो जब ये हमने बत, बेसिकली बताना है कि ये यह, यहाँ पर ये यह लिमिट क्या होता है उसको अंडरस्टैंड करना है लिमिट का मतलब क्या है एक्स टेंड्स टू अप्रोच टू ए जब एक्स यहाँ पर वन है तो यहाँ पर जब हम एक्स वन दे, 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 दे देंगे वैल्यू तो ये क्या बनेगा फंक्शन ये बनेगा वाई इज कल एफ एफ फंक्शन ऑफ एफ इंटू वन ये बनेगा थ्री इंटू वन प्लस फोर बनेगा थ्री प्लस फोर को सेवन तो यहाँ पर हम बता सकते हैं यहाँ पर हम बता सकते हैं दस सेवन इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन गो सेवन इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन एफ वाई इज कल्ड एफ एक्स इजकल्ड थ्री एक्स प्लस फोर तो इसका मतलब है कि ये जो गो वाई दिस इज द 7 इज द लिमिट ऑफ द फंक्शन वाई इज कल्ड एफ एक्स इजकल थ्री एक्स प्लस फोर वैन एक्स टेंडस टू वन वैन एक्स अप्रोच फोर अब हम बताएं कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या है गो दियर फोर द लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज़ इज वैल्यू टू विच द फंक्शन अप्रोच और टेंस टू अप्रोच फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ़ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी इट इज़ रिपीटेड रिप्रेजेंट बाय लिमिट एल टी इसको शॉर्टली हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सो so, बचो हमारा बेसिक जो यहाँ पर समझने का जो मकसद है कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन क्या होता है गो दियर फोर जो लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज द वैल्यू इज़ द वैल्यू टू विच द फंक्शन अप्रोच और टेंडस टू अप्रोच फॉर ए गिवन वैल्यू ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वान्टिटी इट इज रिप्रेजेंट बाई लिमिट इन्वर्टर का लिख सकते हैं सो देयर फॉर द लिमिट ऑफ ए फल्ड लिमिट ऑफ एक्स टेंडस टू वन एक्स अप्रोच फंक्शन थ्री एक्स प्लस फोर इजकल सेवन सो जो एबो जो है जो एबो रिलेशन हमने बताया इसका लिमिट हमने निकाला एक्स अप्रोच इसका मतलब क्या है वो सेवन गो सेवन यहाँ पर निकला सेवन इज द लिमिट ऑफ फंक्शन वाई कल एफ एक्स थ्री एक्स प्लस वन एक्स अप्रोच टू वन सो देर फोर लिमिट ऑफ ए फंक्शन कैन बी रिटर्न एज जो ऊपर हम लिख सकते हैं यहाँ पर लिमिट लिख सकते हैं वाई इज कल लिमिट ऑफ फन एक्स एक्सटेंडस टू वन वो है थ्री एक्स प्लस दैट इज थ्री एक्स प्लस फोर बराबर है सेवन गो ये होता है कि लिमिट ऑफ फंक्शन क्या होता है लिमिट ऑफ फंक्शन को अंडरस्टैंड हमने किया कि जो जब एक्स अप्रोच टू ए उसका मतलब है कि ये इसका लिमिट जो होता है वो लिमिट ऑफ ए फंक्शन इज़ द वैल्यू टू बिच द फंक्शन अप्रोच और टेंस टू अप्रोच फॉर ए गिवन वैल्यू जब हम कोई गिवन वैल्यू देते हैं उसकी और अप्रोच कर रहा है उसको बोलते हैं जब हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटी को हम वैल्यू देते हैं तब वो जो लिमिट ऑफ फंक्शन है ये जो वैल्यू है

अब यहाँ पर हम इसको अप्रोच इसको करने के पहला वाला ये जो पहला वाला हम एग्जाम्पल हम लेते हैं इसको हम लिमिट लगा के देखेंगे क्या होता है तो लिमिट ऑफ एक्सटेंस टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स माइनस वन ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंस टू वन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी डिवाइड बाई एक्स माइनस वन वो ए स्क्र माइनस ये बनेगा एक्स प्लस वन इंट एक्स माइनस वन क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस वन है दिस एक्स स्क्वायर माइनस वन वो ए लिमिट ऑफ एक्सटेंड टू वन यहाँ पर जो हमने इसको पहला वाला ये सोलूशन ले लिया ये बनेगा ए स्क्र माइनस बीस स्कारी बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बनेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन को लिमिट ऑफ टेंड्स टू वन एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन डिवाइड बाई ऑलरेडी नीचे एक्स माइनस वन है एक्स माइनस वन और नीचे एक्स माइनस वन हो जाएगा ये बनेगा लिमिट ऑफ टेंड्स टू वन एक्स प्लस वन तो जब एक्स का वैल्यू वन दे देंगे ये बनेगा वन प्लस वन को इसका लिमिट निकलेगा टू को इसका टू निकलेगा आंसर अब हेकेंड जैसे सेकेंड यहाँ पर है सेकेंड प्रॉब्लम लिमिट ऑफ एक्सक्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स यहाँ एक्स अप्रोच टू टू तो यहाँ पर हम यहाँ वैल्यू देने की सीधा ये क्या बनेगा ये बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंस टू टू ये बनेगा एक्स का स्क्र प्लस बनेगा लिमिट ऑफ एक्सटेंस टू फाइव एक्स प्लस लिमिट ऑफ एक्सटेंस टू टू सिक्स गो इनको अलग अलग हमने लिखना है गो लिमिट ऑफ एक्सटेंस टू टू एक्सक्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स का मतलब है कि वी हैव टू राइट इट अलग अलग करके हमने लिखना है लिमिट ऑफ एक्सटेंस टू बनेगा बनेगा एक्स का एक्स स्क्वायर प्लस लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू टू फाइव एक्स प्लस लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू टू सिक्स अब हाँ दो यहाँ लिमिट एक्स अप्रोच टू टू एक्स का पहले हमने दो वैल्यू देना है गो बनेगा टू स्क्वायर प्लस ये बनेगा फाइव इंटू टू प्लस यहाँ पर ये एक्स नहीं है तो ये सिक्स ही रहेगा ये बनेगा टू टू जो फोर प्लस फाइव टू जो टेन प्लस सिक्स गो ये बनेगा ट्वेंटी सो इस लिमिट ऑफ एक्स टेंस टू टू एक्स स्क्र प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स ये निकला बराबर है हमें ट्वेंटी इसी तरह प्रॉब्लम नंबर थर्ड है इसमें आप समझ जाओगे कि लिमिट का मतलब क्या है लिमिट ऑफ ये प्रॉब्लम नेक्स्ट नेक्स्ट वीडियो में हम इसको एक्सप्लेन करेंगे